नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा की H5X कॉन्सेप्ट व्हीकल के बारे में, जिसे सबसे पहले टाटा ने शोकेस किया था ऑटो एक्सपो 2018 में। इस गाड़ी की काफ़ी सराहना हुई थी, इसके डिज़ाइन, इंटीरियर और सारी चीज़ों को लोगों ने काफ़ी खूब पसंद किया था और तभी से लेके इस गाड़ी के नाम की धूम मार्केट में मची हुई है। मीडिया में सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब ये व्हीकल हमें एक्चुअल में ऑन रोड देखने को मिलेगी, कब हम इसे खरीद पाएंगे। टाटा ने भी इस उत्सुकता का काफ़ी फायदा उठाया और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कुछ टीजर्स रिलीज किए और लोगों की उत्सुकता को और खींचने की कोशिश की है। फाइनली 11 जुलाई 2018 को टाटा ने सभी के साथ में एक प्रेस रिलीज लॉन्च किया है और इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि वो इस व्हीकल को इसके साथ में क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं, क्या कब इसे लॉन्च करने वाले हैं, ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम वो सारी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि टाटा ने इसका जो कॉन्सेप्ट नेम था अल्फा न्यूमरिक H5X उसे बदल कर नया नाम दिया है और अब ये गाड़ी नए नाम के साथ आएगी। इसका नया नाम होगा टाटा हैरियर। कुछ साल पहले टाटा ने इंपैक्ट डिजाइन फिलोसॉफी को अडॉप्ट किया था, जिसके चलते टाटा ने नेक्सॉन, टियागो और टिगोर लॉन्च की है। ये व्हीकल भी उसी डिजाइन फिलोसॉफी पर बेस है, डिजाइन की गई है और इनकी डिजाइन हेड अगर प्रताप बोस जी की हम माने तो जो कॉन्सेप्ट व्हीकल उन्होंने हमें दिखाया था ऑटो एक्सपो में और जो एक्चुअल ऑन रोड व्हीकल आएगा उसमें 80% से लेके 90% तक सिमिलैरिटीज होंगी। हार्डली 10-15% इस व्हीकल को बदला जाएगा, जो कि इसके चाहने वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। जहां तक इसके प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये उस प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया गया है, उस प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी बनाई जाएगी जिसे लैंड रोवर की डिस्कवरी बनाई जाती है जिस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है ओमेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड इंटरनेशनल मार्केट में ओमेगा प्लेटफॉर्म पर डिस्कवरी बनती है और टाटा उसी प्लेटफॉर्म पर हैरियर को बनाएगा। ये एक और अच्छी न्यूज़ है हम सब के लिए। जहां तक इंजन और ट्रांसमिशन का सवाल है, टाटा ने इस बारे में कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है, लेकिन हम अगर जानकारों की माने तो ये उम्मीद की जा रही है फीएट का जो मल्टीजेट 2 लीटर का इंजन है, जिसे हम ऑलरेडी चीप कंपास में देख चुके हैं, उस इंजन को इसमें लगाया जा सकता है और ये गाड़ी उस इंजन के साथ आ सकती है। टाटा इस व्हीकल को जिस लॉन्च के लिए प्रोजेक्ट कर रही है वो टाइम फ्रेम होगा, टाटा की तरफ से कहा जा रहा है कि 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है अक्टूबर या नवंबर महीने से ही इसकी बुकिंग टाटा शुरू कर देगा और फर्स्ट क्वार्टर में इसे लॉन्च किया जाएगा। प्राइसिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जिस सेगमेंट में टाटा इसे लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है उसका सीधा सीधा कंपटीशन चीप कंपास के साथ में होगा। टाटा एक गैप देखती है अपने नेक्सॉन और हिक्सा के बीच में। जी हाँ, टाटा इसे 5 सीटर ही लॉन्च करेगा और उसी 5 सीटर गैप में लॉन्च करेगा नेक्सॉन और हिक्सा के बीच में। वो एग्जिस्टिंग अपनी हिक्सा के लिए 7 सीटर इसे लॉन्च करके कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं करेगा, बट जिस गैप में टाटा इसे फिट करना चाहता है 5 सीटर में, उसे बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ में टाटा लोगों को चौंकाएगा, जिस तरीके से उसने नेक्सॉन के वक्त किया था, और ये सीधा सीधा कम्पीट करेगी जीप कंपास को। जैसे कि उम्मीद की जा रही है और मुझे भी ऐसे लगता है कि ये गाड़ी टाटा प्राइस करेगा 12,50,000 रुपये से लेकर या 12,90,000 से लेकर इसे क्लोज करेगा 19 लाख के ब्रैकेट में। बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा और इस प्राइस में अगर चीप कंपास की कंपटीशन वाला व्हीकल आपको सस्ते में आता है तो ये बहुत ही बढ़िया डील होगी टाटा की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलिएगा और जब तक हम अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए हमेशा की तरह सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।